मेस में खाना अच्छा न बनने की शिकायत को लेकर सिपाही मनोज कुमार वर्दी में आया सड़क पर, हाथों में खाने की प्लेट और रोटी दाल चावल लेकर बताए अब बीती। कहाँ पानी जैसी मिलती है, दाल नहीं है, कोई अधिकारी सुनने को तैयार, रो रो कर बताए मेस में मिलने वाले खाने की कहानी, पुलिस अधिकारी बोलने को तैयार नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार चाहे लाख दावे करती रहे कि पुलिस विभाग के सिपाहियों को मेस में अच्छी क्वालिटी का खाना मिल रहा है, लेकिन फिरोजाबाद की पुलिस लाइन में एक आरक्षी सिपाही मनोज कुमार ने इन बातों को खोखला साबित कर दिया। आज मनोज मेस में खाना अच्छा नहीं मिलने की शिकायत को लेकर अपने सीनियर अधिकारियों के पास पहुंचा, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो वह हाथों में प्लेट में रोटी और दाल चावल रखकर सड़क पर आ गया और वहां आप बीती रो रो कर बताई कि मेस में जो खाना बन रहा है वह बहुत खराब बनता है, पानी जैसी दाल बन रही है और रोटी भी खाने लायक नहीं है। आरक्षी मनोज का कहना है कि उसने कई बार अधिकारियों को अवगत कराया, उनसे मिलने की कोशिश की, उनसे फ़ोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज उसे यहाँ सड़क पर आना पड़ा। वहीं इसकी खबर जब आला अधिकारियों को लगी तो पुलिस की जीप पहुँच गई और आरक्षी मनोज कुमार को जबरन जीप में बैठाकर पुलिस लाइन ले गए। मुख्यमंत्री कहते हैं अच्छा पॉलिटिक्स था, आपने 21 अक्टूबर को देखा होगा, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम सभी राज्य उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी कर्मचारियों को पौष्टिक आहार के लिए भत्ता देते हैं। उन्होंने शायद 30% पौष्टिक आहार भत्ता बढ़ाया था। आप बताइए, आप यही पौष्टिक आहार मिल रहा है? आप लोग और मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि पुलिस सबसे अच्छा कार्य करे, जब पेट में रोटी नहीं जाएगी तो हम कहाँ से चल पाएंगे, आप ये तो देख लीजिए। अरे तू चल चौकी बता, चल चौकी में बैठवा दे गुरु से, हम तो रही है नहीं आप नहीं गुरु पीछे इस विभाग में देखिए, कोई सुनने वाला नहीं, सब दबाव बनाने वाले हैं। अरे दबाव ना बना रहा भाई, चल कोई नहीं है, सब सब गुरु बेकार है, सब चाहते हैं आप लोग हमसे क्या अच्छा कार्य करें, आप बताइए इसको कहाँ करके हम भरेंगे, अभी अच्छा कार्य करेंगे, कोई सुनने वाला इस विभाग में नहीं है, सब लोग दबाव बनाते हैं। इतना दुखी करके रखा से मैं देख टूक कर रोटी रंग नहीं जा पाया मेरे में। मैं डॉक्टर दिलीप यादव, पूर्व MLC, सभी जनपद वासियों क्षेत्र वासियों को रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस एवं जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ साथ आज़ादी का शुभ अमृत जो महोत्सव है, इस पर सभी लोगों से अपील और निवेदन है, राष्ट्रीय ध्वज को लगाएं और फहराएं।